सो है व्हाट्सअप एंड इसे सुनील एस जी। आई नो काफ़ी लेट है हमारा वीडियो, लेकिन क्या ही कर सकता था, मेरे पास भी बहुत कुछ काम थे और हमारा घर ऐसा नहीं है कि मैं पूरा एक यूट्यूब का पूरा एक स्टूडियो मतलब एक अलग से रूम है, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास बॉय ही हूँ। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। सो आज फिलहाल घर पे तो कोई नहीं था, तो मैंने सोचा कि फटाफट करते हैं शूट और करते हैं हमारा कैमरे का अनबॉक्सिंग, जो फिलहाल सबसे पहले हमने कर लिया है। लेकिन आप सबको मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली है, कौन सा कैमरा ली है, क्या है क्या नहीं। तो चलते हैं विदाउट एनी मोर टाइम वेस्ट, लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली बात, जो मैंने कैमरा लिया है कैनन M15 Mark II, तो उसका करते हैं हम अनबॉक्सिंग फटाफट से। तो उसमें सबसे पहली चीज आती है उसमें यही बॉक्स। आप लोग को लग रहा होगा ये बॉक्स देखे मैं क्या ही घटिया बातें कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए ये अलग ही वाइब थी जब इस बॉक्स को मैंने पहली बार पकड़ा था मेरे हाथ में। तो चलो चलते हैं और हमारे काम के बात पे आते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज जो आती है बैटरी। तो मैं इसका सबसे पहले इसका कैप जो हटा लेता हूँ। कैनन M15 Mark II में बैटरी लाइफ सिर्फ 875 mAh ही मिलती है, जो दूसरे कैमरे के कंपैरिजन में कैनन M15 Mark II का बैटरी लाइफ काफ़ी कम है। तो चलो फटाफट डालते हैं हमारी बैटरी को कैमरा में। अरे घुस जा ही नहीं रही। The next day. ऐसे ही काफ़ी लोगों के ब्रेकअप्स यूं ही हो जाते हैं। तो सेकेंड चीज़ है हमारी कैमरा की बॉडी। मुझे M15 Mark II की बॉडी काफ़ी ऑसम और कूल लगती है। डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले तो स्क्रीन टच है, वैसे तो काफ़ी सारे DSLR अभी स्क्रीन टच हो ही गए हैं, के बटन्स वगैरह भी काफ़ी सही से दिए गए हैं। ये तो हुई कैमरा की बात, अब जाते हैं हमारे लेंसेज की तरफ। सबसे पहला लेंस जो हमारा है किट लेंस, जो साथ में ही आता है 18-45 mm का, जो मोस्टली यूज़ होता है हमारे वाइड एंगल शूट्स के लिए, लेकिन मैं उसे ज़्यादातर यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि उसमें मुझे ब्लर दिखने को नहीं मिलता है। तो डायरेक्टली बात करते हैं हमारे प्राइम लेंस के बारे में, जो मैंने अलग से परचेस करा है 50 mm। सो पिछले एक साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ 50 mm हमारे शूट्स के लिए, वैसे अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको हमारे यूट्यूब वीडियोस के लिए भी। तो ये रहे 50 mm के कुछ पिक्स जो मैंने उससे रिसेंटली ही शूट करे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ब्लर भी और काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी आई है उसमें। बस इसी रीजन की वजह से मैंने 50 mm परचेस करा है और मुझे वो पड़ा था लगभग 10K के आसपास। बट कैनन M15 Mark II मिररलेस कैमरा, मतलब कि F माउंट कैमरा होने की वजह से 50 mm डायरेक्ट उससे अटैच नहीं होता है, तो उस वजह से हमें और एक चीज़ अलग से लेनी पड़ती है, वो है एडाप्टर। तो मैंने अडेप्टर लिया है विल्ट्रॉक्स का, क्योंकि कैनन का देखने जाए तो मिलता है अराउंड, सो इसी वजह से हमने कैनन का अडेप्टर नहीं लिया और विल्ट्रॉक्स का पसंद करा है, क्योंकि और चीप और कम प्राइस में देखने जाए तो विल्ट्रॉक्स का अडेप्टर काफ़ी परफेक्ट है। सो यूं दोनों को मिलाकर अगर देखें तो हमारा 50 mm प्लस अडेप्टर हमें दोनों मिला के अराउंड 14 या 15 K के आसपास पड़ जाता है। फिर बाकी चीज़ों के बारे में बात करें तो हमारी बैटरी का सॉकेट, वायर्स, वो सब चीज़ें तो हमें हर कैमरे की किट में मिल ही जाती है। इन सभी चीज़ों के अलावा भी मैंने एक चीज़ ली थी, वो थी SD कार्ड सैंडिस्क 64 GB की। वैसे आप लोग चाहो तो 128 GB के SD कार्ड ले सकते हैं, बट मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा कि 128 GB के SD कार्ड की जगह 64 GB के 2 SD कार्ड ले लें। अगर कभी एक SD कार्ड करप्ट हो जाए तो एक आपके पास बैकअप में रहेगी ही। दूसरी और एक चीज़ परचेस करी है मैंने, फिल्टर, जो हमारे 50 mm लेंस के ऊपर लेंस को प्रोटेक्ट करेगी, वो भी आपको मार्केट में अराउंड 400-500 के आसपास मिल ही जाएगी। फिर चाहे लाइफ हो या कैमरा, प्रोटेक्शन ज़रूरी है। एंड फाइनल जो हमने और एक चीज़ परचेस करी है, हमारा बैकपैक, जो कैमरे के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सो ये बैकपैक मैंने मार्केट में ऑफलाइन ही ख़रीदा था, जिसकी वजह से मुझे ये मार्केट में 2000 के आसपास पड़ा था। वैसे तो आप ऑनलाइन काफ़ी सारे बैग्स ले सकते हो, क्योंकि हमारे कैमरा के प्रोटेक्शन के लिए मुझे एक बैकपैक लेना तो ज़रूरी था ही, बट इस वाले बैग की जो लेदरिंग और जो ये क्वालिटी है ये अच्छी थी, सो हमारे कैमरा के लिए मैंने इस वाले बैग को ही परचेस करा। और साथ ही साथ इस बैकपैक का एक और ख़ासियत है, जो कि वो
वाटर प्रूफ है। सो हमारे रेनी सीजन्स में भी हमारे कैमरा के लिए हमें कोई टेंशन नहीं रही अब। सो बस इतना ही कुछ मैंने लिया था और ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो मेरी लाइफ का फर्स्ट कैमरा मैंने इस बार लिया है। इतने साल से हम दूसरे के ही कैमरों में से शूट करते थे और क्वालिटी कैसी लगी हमारे वीडियो की, जो मैंने जो शूट करा है ये वीडियो भी हमारे कैमरा का ही है M15 का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं इसी के साथ एक कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बोलिए।